हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तोमर मल्टीटेक। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी हमारे हर टीचिंग सब्जेक्ट में होता है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है और स्टार्टिंग में तो इतनी होती है बहुत ज़्यादा। तो मैं अपनी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स देने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी को ब्लूम ने दिया था, जैसे इसका नाम है। अब टैक्सोनॉमी के, ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 मेन पार्ट्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन है हमारा रिलेटेड टू थिंकिंग, यानी कि इसमें सारे थॉट्स आ जाते हैं कि बच्चे के मीन्स माइंड से रिलेटेड हो जाना, सारे थिंकिंग से रिलेटेड हो जाना, बच्चे की थिंकिंग कहाँ तक जा सकती है उससे रिलेटेड हो जाना। अफेक्टिव डोमेन हमारा इमोशन से रिलेटेड है, बच्चे के अंदर इमोशंस है भी या नहीं है, ऐसे ही है बस वो। और साइकोमोटर डोमेन है कि उसके मस्कुलर एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों से साइकोमोटर डोमेन रिलेटेड होता है। इसके कॉग्निटिव डोमेन के 6 पार्ट्स होते हैं, अफेक्टिव डोमेन के 5 पार्ट्स होते हैं और इसके 6 पार्ट्स होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में हमारे 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है हमारा नॉलेज, हमारा ये लोएस्ट लेवल होता है, लोएस्ट लेवल है ये और ये हाईएस्ट लेवल, लोअर टू हायर जा रहे हैं। अब जो सबसे पहला है हमारा नॉलेज, नॉलेज में हमारी टेस्टिंग होती है, यानी कि जो अब तक हमने पढ़ा है, PK टेस्टिंग होती है, जो अब तक हमने पढ़ा है तो हमारा टीचर उसके बारे में पूछ सकता है कि भाई तुमने ये टॉपिक तुम पढ़ चुके हो तो इस टॉपिक के बारे में मुझे बताओ, तो मतलब उसके बारे में उनसे वो क्वेश्चनिंग करते हैं तो बच्चे आंसर देते हैं, तो हमारा नॉलेज हो गया PK टेस्टिंग एक तरह से। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज के ऊपर डिपेंड है, जो नॉलेज उसने ली है पुरानी और जो टीचर अब स्टार्ट कर रहा है उसी पॉइंट के अराउंड देने के लिए, वो उसको कैसे ग्रेस्प करता है, कैसे कैचअप करता है, कॉम्प्रिहेंशन में ये आ जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, अब उसने उसकी नॉलेज भी होगी, उसने ग्रेस्पिंग भी कर ली, अब वो जो एप्लीकेशन है यानी कि जो उसने हमने टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया है वो ग्रेस्प कर लिया कि हाँ इसको इस तरह से करना है, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, इस तरह से वो चीज़ आ जाएगी आपकी एप्लीकेशन में। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस, एनालिसिस में टू ब्रेक, अब फॉर्मूले तो उसने लगा दिया लेकिन उसको पहले ब्रेकिंग करेगा कि किस तरह, कौन कौन सा मेन पार्ट है जो हमारा बहुत जरूरी है, तो उसको सबसे पहले ब्रेक करेगा, फिर सारे पॉइंट्स को एक साथ रखेगा कि कौन सा जरूरी है, फिर ब्रेक करने के बाद सिंथेसाइज टू ज्वाइन, यानी कि ब्रेकिंग तो हो गई है लेकिन ब्रेकिंग के बाद जिस पॉइंट की जरूरत है उसको ज्वाइन करना। नेक्स्ट आपका इवैल्यूएशन, अब इवैल्यूएशन तो होना जरूरी होता है क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये सब जो हमने किया है, जो मैंने मैथ्स का क्वेश्चन किया है, जो फिजिकल साइंस का क्वेश्चन किया है, या फिर जो SST कॉमर्स और हिंदी इंग्लिश मैथ इन सब के जो भी क्वेश्चन किए हैं वो मेरे सही है या नहीं है, तो इवैल्यूएशन में ये हमारा आ जाएगा और ये हमारा हाईएस्ट लेवल होता है। अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन में जैसे मैंने आपको बताया था 5 टाइप्स होते हैं, 5 कैटेगरीज होती हैं और ये हमारा सेकंड पॉइंट है। और अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेटेड है, इमोशंस से, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब सबसे पहला है रिसीविंग, अब आप रिसीविंग का मतलब आपको पता ही है, किसी भी चीज़ को रिसीव करना, जो आपके टीचर ने आपको कोई भी पॉइंट या कोई भी कंसेप्ट दिया है उसको आप कैसे रिसीव करते हैं वो इसमें आ जाता है। सबसे पहले इसमें अवेयरनेस, विलिंग टू रिसीव, सेलेक्टेड अटेंशन, ये इसमें 3 मेन पॉइंट है रिसीविंग के अंदर, कि आपको आइडियाज़ के आइडियाज़ से रिलेटेड कोई अवेयरनेस है भी या नहीं, या फिर आपके अंदर मतलब इच्छा है रिसीव करने की, विलिंग टू रिसीव है, या फिर आप अटेंशन दे रहे हैं उसकी तरफ, जो बहुत अटेंशन तो बहुत सारी होती है लेकिन जो मेन अटेंशन आप स्टडी की तरफ ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसके बाद मतलब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं, तो आपका उसमें आ जाएगा आंसरिंग, रीडिंग, ये सब चीज़ें आपकी रिस्पॉन्डिंग में आ जाएगी। वैल्यूइंग, वैल्यू का मतलब भी आपको पता है कि किसी को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, अब जैसे कोई टीचर है आप उसको बहुत अच्छे से मतलब आपको अच्छे से टीच कर रही है, वो आपको बहुत अच्छे से टीच कर रही है तो आप उसके तरफ बहुत ध्यान देते हो कि मैम चलो मैम आ गई उसके लिए, आप वो पीरियड आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो आप उसमें आप उस टीचर को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हो, यानी कि एक्सप्रेस प्रीफ्रेंस करते हैं, हमारे प्रीफ्रेंस हो जाती है उस टीचर की तरफ और एक कमिटमेंट सब कर देते हैं कि हमें तो यही मैम मतलब अगर ये टीचर हमें पढ़ाएगी तो हम ही कुछ कर पाएंगे वरना हम कुछ नहीं कर पाते, तो इस तरह से कमिटमेंट हो जाता है। तो उसके बाद एक बिलीफ एटीट्यूड भी आ जाता है, एक अंधविश्वास भी हो जाता है हमें कभी कभी, बिलीफ का मतलब मोस्टली अंधविश्वास ही होता है, एक बिलीफ एटीट्यूड सा भी हो जाता है, वैल्यू के अंदर ये आ जाता है। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यू को एक हायरार्की फॉर्म में करना, यानी कि लेवल फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, ये सारे जितने भी हैं उनको लोएस्ट हाईएस्ट फॉर्म में करना, और एक यूनिक वैल्यू सिस्टम आ जाता है इसमें, ये रियली
ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा से रीअरेंजमेंट हो जाना। अब है कैरेक्टराइजेशन, गाइडेंस बिहेवियर, आपका बिहेवियर किसी की तरफ कैसा है वो सब बताना। गाइडेंस बिहेवियर एंड पॉइंट, इसको हम एंड पॉइंट भी कह सकते हैं, हमारा गोल क्या है वो कर सकते हैं। और टोटल फिलोसफी ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे लाइफ की क्या फिलोसफी है और हम अपनी लाइफ के बारे में, हमें इसमें हमें बहुत ज़्यादातर अपनी लाइफ के बारे में पता चल जाता है। तो हमारा कैरेक्टराइजेशन, हमारा साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन में अगेन 6 कैटेगरीज आ जाती है। सबसे पहली है रिफ्लेक्स मूवमेंट, और जो हमारा अभी अफेक्टिव डोमेन हुआ था ना उसमें सबसे जो पहली थी वो हमारी लोवेस्ट कैटेगरी थी और जो सबसे लास्ट वाली थी वो हाईएस्ट कैटेगरी थी। ऐसे ही साइकोमोटर डोमेन है। अब रिफ्लेक्स मूवमेंट, ये रिफ्लेक्स मूवमेंट है वो हमारा कंट्रोल होता है हमारे ANS से, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इससे कंट्रोल होता है। और इसमें मोस्टली क्या होता है, जर्किंग ऑफ हैंड्स, क्लोजिंग आइज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे ANS से, हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता रहता है, वो सारा हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड। अब हमारा बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, ये मोस्टली हमारे बहुत ही अर्ली डेज में जो हमारे बचपन में होती हैं उस टाइम पे ये हमारे शो होती है, ये मूवमेंट, जैसे जंपिंग हो जाना, वॉकिंग हो जाना, तो उस टाइम पे बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स होती हैं, तो ये हमारे अर्ली डेज ऑफ लाइफ की है। नेक्स्ट है परसेप्चुअल एबिलिटीज, जब हमारे अंदर मोटर एबिलिटीज या मोटर स्किल डेवलप हो जाए, यानी कि जैसे हमने किसी टीचर ने या फिर किसी की मम्मी ने या पापा ने किसी को सिंपली ऐसे स्लैप दिखा दिया, वो उसी से समझ गया, तो सेंस के थ्रू समझ जाना जो भी एक्शन किसी ने भी परफॉर्म किया है वो परसेप्चुअल एबिलिटीज। फोर्थ वन है हमारा फिजिकल एबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज में टॉलरेंस टू बियर या हार्ड लेबर, यानी कि जो भी हम काम करते हैं जैसे रनिंग भी, एक्टिंग, कुछ भी करना, वो हमारा फिजिकल एबिलिटीज में आ जाना। कुछ भी करते हैं जो हमारा फिजिकल से रिलेटेड हो, एक्सरसाइज करना, किसी को डेमोन्स्ट्रेट करना, स्टॉपिंग, रनिंग, ये सारी चीज़ें हमारा फिजिकल एबिलिटीज में आ जाता है। स्किल्ड मूवमेंट, यानी कि किसी के अंदर कैसी स्किल होती है, किसी के अंदर कैसी स्किल होती है, तो उसको शो करना, जैसे किसी को आर्ट ऑफ डांसिंग आता है, किसी को टाइपिंग आता है, किसी के अंदर सिंगिंग की स्किल है, तो ये स्किल्ड मूवमेंट आ जाती है। फिर आता है नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन, ये एक ओवर्ट बिहेवियर, ओवर्ट का मतलब होता है कि आप ओपनली करना, नॉट सीक्रेटली। अब इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है और डांस, एक्टिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आपका साइकोमोटर डोमेन, जैसे मैंने पहले कहा था, मस्कुलर से रिलेटेड टैक्सोनॉमी है, वो हमारा एक रॉबर्ट मेजर ने भी दिया है, उसको हम ये अप्रोच कह सकते हैं, रॉबर्ट मेजर अप्रोच, जो 1962 में दिया गया था। और इसमें तीन मेन चीज़ें हैं, तो आइडेंटिफिकेशन, कंडीशन और क्राइटेरिया, उसकी क्या आइडेंटिफाई, मतलब क्या आइडेंटिफाई करता है, क्या उसकी कंडीशन है और क्या उसका क्राइटेरिया है। और इसमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से टर्मिनल बिहेवियर में डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें सिर्फ दो ही डोमेन आते हैं, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। में हमारा जो कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव में वही सारी चीज़ें आ जाएंगी, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसाइज, इवैल्यूएशन। अब नॉलेज के अंदर हमारे कुछ वर्ब्स आ जाएंगे, मैंने यहाँ सिर्फ एक दो लिखी हुई है, लेकिन मैंने जो PDF दे रखा है उसमें आपको कंप्लीट देख लेना। नॉलेज में जैसे रिकॉल करना, किसी को नेम करना कि नेम दैम, कोई टीचर पूछता है नेम दैम, या फिर उसकी टॉपिक के बारे में रिकॉल करना। कॉम्प्रिहेंशन में चेंज, एक्सप्लेन, एप्लीकेशन में चूज, फाइंड, एनालिसिस में ऐसे कंपेयर, कंक्लूड, सिंथेसाइज में कंबाइन, प्रूफ और इवैल्यूएशन में जज। इस तरह से आपका ये कॉग्निटिव के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। और मैंने आपको बताया कि आप अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन में वही वाले सारे, रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइज, कैरेक्टराइजेशन। अब रिसीविंग में आस्क, फॉलो और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं, रेस्पॉन्डिंग में आंसर करना, ओबे करना, वैल्यूइंग में प्रीफर करना और रिकॉग्नाइज करना, ऑर्गेनाइज में कंपेयर करना, सेलेक्ट करना, और कैरेक्टराइजेशन में जज करना या सोल्व करना, ये सारे वर्ड्स इनमें आ जाते हैं और भी बहुत सारे वर्ड्स। अभी हमारा जो रॉबर्ट मेजर अप्रोच था उसमें कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन थे, और जो रॉबर्ट मिलर अप्रोच है इसमें हमारा है साइकोमोटर डोमेन। इसमें साइकोमोटर डोमेन में मेन तो वही है, लेकिन रिफ्लेक्स मूवमेंट में बाइट, जर्क हमारी वर्ब आ गई है। बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट में कैच, होल्ड आ गया है। फिजिकल एबिलिटीज में बिगिन, कंडक्ट और भी बहुत सारी हैं। परसेप्चुअल एबिलिटीज में ईट, फीड। स्किल्ड मूवमेंट में स्केट, डांस। नॉन डिस्कसिव में पोज, स्माइल और स्टैंड, ये सारे से आए हैं। RCM अप्रोच, RCM का मतलब है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, और यूज ऑफ मेंटल प्रोसेस, यानी कि इसमें मेंटल प्रोसेस का यूज हुआ था। और इसमें चार ही कैटेगरीज हैं। सबसे पहली है नॉलेज, नॉलेज में आपका रिकॉग्नाइज आ जाएगा, रिकॉल आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग में सीइंग रिलेशनशिप, सीइंग रिलेशनशिप या साइट एग्जाम्पल आ जाएगा। एप्लीकेशन और भी है इसमें, साइट एग्जाम्पल में फॉर्मुलेट, प्रिडिक्ट,
क्रिएटिविटी में एनालाइज सिंथेसाइज और इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और आरसीएम अप्रोच टोटल हमारा इतना ही। टैक्सोनॉमी हमारा रिवाइज हुआ था एक बार फिर से 2001 में, तो उसको टॉपिक का नाम होता है रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी। मे बी वो आ जाए, मे नॉट बी, नॉट मतलब इतने चांसेस नहीं है। तो अगर आपको उसके लिए वीडियो चाहिए तो मैं आप कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ये सारे काम करने ना भूले प्लीज़। एंड थैंक यू, बाय।